स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, जिंदगी के महाभारत में आप सब लगातार प्रयासरत हैं और मैं आपका सहयोग करने के लिए प्रतिदिन रात 9 बजे प्रीलिम्स स्पेशल के इस स्पेशल एपिसोड में मिलता हूं। मध्यकालीन इतिहास का सल्तनत काल और सल्तनत काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों पर हम लोग आज वन बाय वन करके सिंहावलोकन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज के ये सेशन। आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? सल्तनत काल में जो कुल 5 राजवंश थे, सल्तनत काल का जो पहला शासक, अगर पूछे कि सल्तनत काल का जो पहला शासक था तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का पहला शासक था। जबकि सल्तनत काल का अंतिम जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था। यही इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत की पहली लड़ाई में 21 अप्रैल 1526 को, यह युद्ध जुमा के दिन शुक्रवार के दिन हुआ था, क्योंकि उस धर्म में शुक्रवार के दिन का बड़ा महत्व है, वो पवित्र दिन है। हम लोगों के हिंदू धर्म में तो सब दिन ही इतने देवता हैं कि सब दिन सही है। 21 अप्रैल 1526 के दिन बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की मौत हो जाती है। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था, न कि गुलाम वंश का शासक था। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, बताने की जरूरत नहीं कि अंतिम विकल्प सही होगा। यह ध्यान रखेंगे आपसे जब पूछा जाएगा सल्तनत काल का पहला शासक, उस सवाल का भी जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछे गुलाम वंश का पहला शासक, उस सवाल का भी जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अंतिम शासक मैंने बताया था कैमूर्स था, जिसकी हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? अफगान उन दिनों जो है एक जनजातियां हुआ करती थी। गांधार का जो क्षेत्र था, जिसको कि अब हम लोग अफगानिस्तान कहते हैं, उन क्षेत्रों पर जब इन लोगों का अपना साम्राज्य स्थापित हुआ तो उस क्षेत्र को अफगानिस्तान का नाम दिया गया। और सुनने में आ रहा है कि वर्तमान जो तालिबान वहां पर शासन कर रहा है, तालिबानियों के द्वारा उसका नाम बदल करके अब तालिबान किया जाएगा, कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया, लेकिन इसका कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। हो सकता है कि वो लोग भी योगी आदित्यनाथ जी से प्रभावित हो रहे हों, तो अच्छी बात है। भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। भारत से हर कोई सीखता रहा और सीखता रहेगा। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के शासकों में से कौन सा अफगान मूल के थे? जी हां, लोदी। लोदी वंश का जो संस्थापक था, मैंने बताया कि बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी, जिसको सल्तनत काल का बिंदुसार कहा जाता था, बहलोल लोदी के द्वारा ही लोदी वंश की स्थापना की जाती है। और इसी वंश का अंतिम शासक अभी मैंने बताया था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी, लोदी वंश में सबसे कम 3 ही शासक हुए थे, लेकिन लोदी वंश 75 वर्षों तक शासन किया था। बहलोल लोदी सबसे लंबे समय तक, मैंने बताया था आपसे कि 1451 से लेकर के वर्ष 1400 कब तक, 89 तक, कितने वर्ष तक शासन किया, लगभग 38 वर्ष तक शासन किया। सबसे लंबा शासन बहलोल लोदी का ही रहा था सल्तनत काल में। और अगर पूछे कि सबसे कम कौन रहा, तो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, पट्टा सिर्फ 15 दिन ही शासन कर पाया। तब तक जो है उसका 13 का दिन तय हो गया था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा, मेरे प्यारे एकलव्यों, अंतिम विकल्प सही होगा। अगर आपको बता दूं कि भारत पर शासन करने वाला दूसरा अफगान वंश कौन सा था, तो उस सवाल का जवाब होगा सूरवंश। वही सूरवंश जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने
बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं को हरा करके और दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित किया था, जो आगे अभी आगे के एपिसोड में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करते हैं हम लोग सिंहावलोकन। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इकता व्यवस्था प्रारंभ की? कितना बार आ गया ये सवाल। इकता प्रथा सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले वेतन देने की जो प्रथा थी वही इकता प्रथा थी। भारत में इस प्रथा को लाने का काम सबसे पहले किया था किसने? मोहम्मद गोरी ने। इस व्यवस्था का सुझाव दिया था किसने? हसन निजामी ने। हसन निजामी उस समय का मोहम्मद गोरी का इतिहासकार और जो है एक महान कवि था, जो उसी के साथ भारत आया था और उसी ने सलाह दिया था कि सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले वेतन नहीं ना क्या जमीन का टुकड़ा दे दिया जाए। भारत की जमीन भारत के लोगों से जीत करके भारत के ही लोगों को जो है फिर उनके सैनिक सेवा के बदले दे दिया जाता था। यानी इसको कहते हैं एक तीर से दो निशाना करना। एकता प्रथा को सैद्धांतिक रूप से लागू किया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। एकता प्रथा को खत्म कर दिया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये सारी कथा आप लोगों को मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सवालों से इतनी बार रूबरू हूं, इतनी बार पढ़ लें कि सपना में भी अगर जो है इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करें तो कम वक्त गलत ना हो जाए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करते हैं हम लोग पोस्टमार्टम। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। सल्तनत काल में सबसे पहली मुद्रा जो जारी की गई थी वो जो है टंका, जो चांदी का था, किसका? सिल्वर क्वाइन था। और किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने जारी किया। जबकि तांबे की बनी हुई मुद्रा को जो है जीतल कहा जाता था, इसको भी जारी किया किसने? इल्तुतमिश ने। आपसे पूछे जब भारत की धरती पर सबसे पहले सिक्का जारी करने वाला सुल्तान, उस सवाल का जवाब होगा इल्तुतमिश। लेकिन भारत की धरती पर सबसे पहले सिक्का जारी करने वाला मुसलमान, तो उस सवाल का जवाब होगा कौन? महमूद गजनवी, जिसने 1021 में पंजाब में सबसे पहले चांदी का सिक्का जारी किया, जिसका नाम दिल्ली वाला था। मोहम्मद गोरी ने जो जारी किया सिक्का, उसका नाम जो माता लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के थे, उस गोल्डन क्वाइन था। तो गोल्डन क्वाइन सबसे पहले जारी किया मोहम्मद गोरी, सिल्वर क्वाइन सबसे पहले जारी किया बताने की जरूरत ही नहीं है महमूद गजनवी। लेकिन पहला सुल्तान जिसने सिक्का जारी किया उसका नाम था जो है क्या? इल्तुतमिश। क्योंकि इससे पहले वाले जो दोनों थे वो भारत में सुल्तान नहीं थे। और इल्तुतमिश के द्वारा जो ये टंका जारी किया गया, कहा जाता है कि आज भी बांग्ला भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदे बांग्लादेश की करेंसी ये टका है, इसी टंका का बिगड़ा हुआ रूप है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला और चौथा। दूसरा और चौथा, जिस सेकंड एंड फोर्थ। तो कह कौन सा विकल्प? पहला ना, अंतिम विकल्प सही हो गया। रुपया नाम जो है शेरशाह सूरी ने दिया था। किसने नाम दिया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने गुप्त वंश का जो है एक सिक्का जिसका नाम था रूपक, चांदी का सिक्का या रुपया, उसी का जो है बिगड़ा हुआ रूप इसने जो है दिया क्या? रुपया। वर्तमान समय में रुपया भारत सहित 8 देशों की जो है करेंसी है, लेकिन उसमें मात्र एक भारत की करेंसी है जिस पर रुपया का सिंबल जो है इस तरह से आपको मिलेगा। आप हमको कमेंट करके बताना क्या रुपया का यह सिंबल जो है किसके द्वारा दिया गया, रुपया का यह सिंबल किसने दिया था और कब दिया था, आप मुझे कमेंट करके जो है अवश्य बताना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून या कृषि संबंधित कर? जवाबित, दरअसल सल्तनत काल में जो सत्ता व्यवस्था चलाई जाती थी वो शरीयत के अनुसार जो है चलाई जाती थी।
शरीयत का मतलब ही होता है इस्लामिक कानून, शरीयत का मतलब जो है इस्लामिक कानून, और इस्लाम धर्म के नियमानुसार जो है सत्ता व्यवस्था चलाई जाती थी। हिंदू धर्म में जो स्थान मनु स्मृति का है, इस्लाम धर्म में वही जो है शरीयत का है। हदीस में लिखे गए नियमों के अनुसार हदीस का मतलब ही होता है रिपोर्ट, और मोहम्मद साहब के उसमें इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के विचार, उनके कर्म, उनके उपदेश हदीस में जो है लिखा गया है। तो इसके अनुसार जो है सत्ता व्यवस्था जो है चलाई जाती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान हुआ जिसने शरीयत से के नियमों से हट करके उसने खुद नियम कानून बनाया। तो सल्तनत काल में राज कानून यानी शरीयत से हट करके यानी सुल्तान के द्वारा जो कानून बनाए गए उसी को जवाबित कहा गया। क्या कहा गया? जवाबित कहा गया। तो मेरे प्यारे क्लबियों, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। शरीयत को सबसे पहले भारत में सल्तनत काल के बाद जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम से अंग्रेजों ने 1937 में जो है सबसे पहले इसको ऑफिशियली लागू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। हदीस एक है, वही तो अभी मैंने बताया था, हदीस जिसमें मोहम्मद साहब के विचार, उनके उपदेश, उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है, और हदीस की संख्या संभवतः लगभग 7000 के आसपास जो है। इस्लामिक कानूनों की जो है ये पुस्तक है, और उन दिनों कब, जब भारत में या तो सल्तनत काल या मुगल काल या कहीं भी जहां इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग थे, आज भी जहां पूरी तरीके से जो इस्लामिक कंट्री हैं वहां पर आज भी शरीयत और हदीस के अनुसार ही जो है वहां की सत्ता व्यवस्था जो है चलाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, इसको लागू करने का काम सबसे पहले जो है इस्लाम धर्म के जो खलीफा हुआ करते थे। क्या? खलीफा। खलीफा का मतलब इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म गुरु। जैसे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो धर्म गुरु होता है उसे शंकराचार्य, क्रिश्चियनिटी में उसी को पोप कहते हैं, यहां पर उसको जो है खलीफा कहते हैं। और जो मोहम्मद साहब का जब मौत हुई 632 में, तो 632 में जो पहले खलीफा बने थे उनका नाम था अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर। ये पहले खलीफा थे। दूसरे जो थे उनका नाम था क्या? उनका नाम था, जी हां, उमर। क्या नाम था? उमर। उमर ये भी, ये दोनों लोग रिश्ते में मोहम्मद साहब के ससुर थे। जो तीसरे थे जिनका नाम था उस्मान, ये रिश्ते में मोहम्मद साहब के जो है क्या थे? जी हाँ, दामाद थे। ये भी जो है उनके दामाद थे। तो जो है ये सिलसिला शुरू हुआ अल बिलाल जो कि अंतिम खलीफा हुए थे, और इन नियम कानून को लागू करने कराने का काम इन खलीफाओं के द्वारा उन दिनों किया जाता था। अगला प्रश्न को देखें। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें। आइए किया जाए। दीवान ए अर्ज ये किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसके समय में किया गया? मैं बताया था, बलबन के समय में किया गया। सलाह पर किया गया था? अमीर खुसरो के सलाह पर किया गया। किसके सलाह पर किया गया? अमीर खुसरो के सलाह पर किया गया। क्यों किया गया? दरअसल उन दिनों नियम हुआ करता था, जब युद्ध होता था, और युद्ध तो गजब हमेशा होता था, क्योंकि उन दिनों भारत अलग अलग जो है क्षेत्रों में बटा हुआ था, और हर एक राजा का दूसरे राजा से उतनी ही बनती थी जितना आज वर्तमान में भारत पाकिस्तान की बनती है। तो हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे, और जब कभी युद्ध होता था तो युद्ध में सबसे पहले जो है सेना में मोर्चा संभालता था कौन? सुल्तान।
बादशाह, उसके परिवार के लोग भी युद्ध भूमि में जाते थे, और वो युद्ध तब तक चलता रहता था जब तक कि जो है दोनों जो है सेनाओं की तरफ से उनके सुल्तान लड़ते रहते थे। सुल्तान खत्म, बादशाह खत्म, काम खत्म। लेकिन मंगोलों ने जब 1285 ईस्वी में, वर्ष 1285 ईस्वी में मंगोलों ने कादिर खान के जो है नेतृत्व में जब अटैक किया, उस समय के नियमानुसार बलबन अपने पुत्र जिसका नाम था महमूद अजहर, उसको जो है युद्ध भूमि में भेजा था, जिसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था। उन दिनों के नियमों के अनुसार शाहजादा घोषित कर दिया जाता था। तो जब कभी भी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, युद्ध होता था, तो रणभूमि में अब सुल्तान की जगह कौन जाता था? शाहजादा जाता था। उसको यह प्रूफ करना पड़ता था कि सुल्तान के बाद जरूरत पड़ी तो मैं कलम भी चला सकता हूं, कलम भी कर सकता हूं, मैंने दोनों काम। और उन दिनों सुल्तान बनने के लिए कलम चलाना आए या ना आए, कलम करना आना चाहिए होता था। और इसी लड़ाई में अमीर खुसरो के साथ जो है गया हुआ था महमूद अजहर, जो है मार दिया गया, उसकी मृत्यु हुई। अमीर खुसरो पकड़े गए मंगोलों के द्वारा तो कूटे भी गए, लेकिन जैसे तैसे जिंदगी बची तो जो है आ गए भाग करके। और उसके बाद तो इन्होंने कहा कि बलबन से कि अब हम सेना में ना कभी नहीं, कहें काहे रे, तो पकड़ लिए थे सब, बाकी तो बलबन समझ गए कि पकड़ लिए थे सब, तो फिर इनका हुआ क्या था। लेकिन इन्होंने ही उनको सलाह दिया क्या कि इस व्यवस्था को जो है हटाया जाए और युद्ध भूमि में राज परिवार से संबंधित लोगों को जो है न भेजा जाए, उनको दूर रखा जाए। और इसीलिए दीवाने अर्ज की स्थापना किया था, किसने? बलबन ने। किसने जो है दिया था, किया था? बलबन ने। तो पहले का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा। ओ माय गॉड, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यानी ए का 4, दीवाने रिसालत, दीवान ए रिसालत धार्मिक विभाग था, यानी धार्मिक कार्यों का जो है इसमें देखरेख जो है की जाती थी। इसके अलावा ये विदेश विभाग को भी जो है डील करता था, विदेश विभाग की तरह भी काम करता था। भारत में कितने विदेशी लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर भी नजर रखता था दीवाने रिसालत। इसमें मौलवी, मौलाना या धर्म से संबंधित जो है लोग अमूमन इसके जो है हिस्सा होते थे। दीवाने इंसान, जिसका काम सरकारी पत्र व्यवहार पर नजर रखना था। दीवाने वजारत, दीवाने वजारत का जो है काम होता था और वो होता था वित्तीय मामलों की जो है देखरेख करना। इसका जो प्रमुख होता था उसे वजीर कहा जाता था। आज भी प्रधानमंत्री को उर्दू भाषा में वजीर आलम कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा मेरे प्यारे एकलव्यों। अगला प्रश्न देखें, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह? अब तो वो परंपरा खत्म हो गई। आज भी कुछ देशों में है जहां उनके मुद्राओं पर, उनके सिक्कों पर वहां के सम्राट की तस्वीर आती थी। भारत में जब इस्लामिक शासन जो है शुरू हुआ तो इल्तुतमिश ऐसा पहला जो है व्यक्ति था। कौन? इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था जिसने जो अपनी टंका मुद्रा जो है जारी किया, चांदी का जो सिक्का था उस पर इस्लाम धर्म के जो है खलीफा की तस्वीर जो है आई, उनका नाम जो है आया था। और अलाउद्दीन मसूद शाह जो है अंतिम सुल्तान था। किस वंश का यह सुल्तान था? आप कहेंगे कि सर सैयद वंश का अंतिम शासक था। यह किस वंश का था? यह पट्टा गुलाम वंश से था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन मसूद शाह के जो है जो क्वाइंस थे, जो सिक्के थे, उस पर जो है चांदी के सिक्कों पर अंतिम खलीफा का नाम जो है बिलाल, जिनका नाम था, उनका नाम जो है दर्ज किया गया था, उनका नाम जो है दर्ज किया गया था।
तो आपसे पूछ रहा है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम दिया गया था? जी, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। मैंने अभी बताया था कि पहले खलीफा थे जिनका नाम था अबू बकर, दूसरे थे जिनका नाम था उमर, तीसरे थे जिनका नाम उस्मान, चौथे थे जिनका नाम अली। ये सब लोग मोहम्मद साहब के परिवार से ही संबंधित थे, बाकी ये परंपरा जो है बहुत लंबा जो है चली थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? अंतिम विकल्प सही है। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, भी पट्टा बड़ा तेज तर्रार आदमी था जिसका नाम था मुबारक खिलजी। क्या नाम था? मुबारक शाह खिलजी। किसका बेटा था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। मैं आप सबको पढ़ाया था और बताने की जरूरत नहीं, मुबारक खिलजी को जो सन की सुल्तान कहा जाता था, इतना तेज व्यक्ति था कि बिना कपड़ों में भरे दरबार में पहुंच जाता था, उसी तरह नेचुरल ड्रेस में। सोच लो, एक राजा, आज का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऐसा हो जाए, सरकार अगले दिन गिर जाए। बहरहाल इसने अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था। आपसे पूछा जाए कि सुल्तान ने स्वयं को जो है खलीफा घोषित किया, इन्होंने जो है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तकराज। जी हाँ, दीवाने मुस्तकराज का मतलब आज का जो है वाणिज्य विभाग, और इसकी स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जी, अमीर दीवाने अमीर ए कोही, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। इसका मतलब जो है क्या? कृषि विभाग। मैंने बताया था कि सबसे पहले कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया। सबसे पहले कृषि ऋण देने की परंपरा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शुरू किया गया, जिसको तकावी कहा जाता था। दीवाने खैरात, जिसका मतलब होता था दान विभाग, बिल्कुल रट जाइए इसको, दान विभाग। उन दिनों भी जो है जो गरीब लोग थे उनको दान दिया जाता था, ताकि पैसा दिया जाता था, अनुदान दिया जाता था, ताकि वो लोग अपने लिए जो है कुछ कर सके, यानी हर हाथ को काम मिल सके। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यह भी सही है। दीवान ए रियासत बलबन ना, इसने जो है इसकी स्थापना नहीं किया था। और यही चूंकि पूछ रहा है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? मेरे प्यारे एकलव्यों, अंतिम विकल्प सही होगा। बलबन ने नहीं, दीवाने रियासत की स्थापना मैं पढ़ाया था। किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? इस महोदय ने किया था। दीवान ए रियासत जिसका जो है काम होता था, ये जो है बाजार के कार्यों का नियंत्रण करता था, एक तरह से कह लीजिए मार्केट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न को। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उन दिनों प्रांत को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे कि इकता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इकता कहा जाता था। और इकता का जो प्रमुख होता था उसको इक्तेदार कहते थे। क्या कहते थे? इक्तेदार कहते थे। उसको मलिक कहा जाता था। प्रांत जो है बटे हुए थे किसमें? तो जिला में बटे हुए थे। जिला किसमें बटे हुए थे? परगना में बटे हुए थे। परगना किसमें बटे हुए थे? गांव में बटे हुए थे। और गांव का जो अधिकारी होता था उसमें जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी, उसको क्या कहते थे? चौधरी कहते थे। चौधरी कहते थे। पटवारी राजस्व से संबंधित पद था, जिसको कि अब हम लोग लेखपाल कहते हैं। मलिक जो है इक्तेदार को कहा जाता था। रावत बहादुर सैनिकों को जो है ये उपाधि दी जाती थी। बहादुर सैनिक बलबन के द्वारा अपने सेनापति इमादुल मुल्क को रावत ए अर्ज की उपाधि दी गई थी। किसको? इमाद उल मुल्क। ये था कौन? बलबन का सेनापति, और इसको उपाधि मिली थी कहें कि रावत ए अर्ज। किसने दिया था? बलबन ने दिया था। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें,
निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? सल्तनत काल में खराज क्या था? तो यह भी भूमि कर था। किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। भूमि कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खुम्स यह लूटे हुए धन पर लिए जाने वाला कर था। लूटे गए धर्म पे लिया जाने वाला कर जो है खुम्स कहलाता था। उश्र जो है मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों से लिया जाने वाला यह भूमि कर था। तो यह भी जो है भूमि कर से संबंधित है, वो भी भूमि कर से संबंधित है। मुक्तई का मतलब होता है उन दिनों यह भी एक तरह का टैक्सेशन सिस्टम था, जिसमें फसल तैयार हो जाती थी तो राजस्व अधिकारी और किसान मिलकर के जो है और एक अनुमान लगा लेते थे कि इतना उत्पादन होगा, इतना प्रोडक्शन होगा, और जितना भी जो है कृषि उपज होगी उसका एक हिस्सा जो है ले लिया जाता था। किस रूप में? लगान के रूप में। उन दिनों मुक्तई व्यवस्था थी, रास व्यवस्था थी। रास के तहत जो है जब जब अनाज खलिहान में पूरी तरीके से कटाई मड़ाई हो जाती थी, आज भी कहीं कहीं लोग, आज भी जो लोग होंगे गांव से जानते होंगे, जब खलिहान में जो अनाज एक जगह इकट्ठा किया जाता है उसको रास बोलते हैं, रास। और ये तो यहाँ ये रास मतलब अनाज का जो है ढेर, तुर्की भाषा का ही शब्द है। और फिर उस रास से जो है, यानी उस अनाज से जो है लगान लिया जाता था, वो रास था। लंक व्यवस्था वो थी जब जो है खड़ी फसल ही जो है बांट ली जाती थी। तो अलग अलग उन दिनों की व्यवस्थाएं थी। बहरहाल दिए गए प्रश्न में खराज भूमि कर था, उश्र भूमि कर था, ये भी भूमि कर था, यानी दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? 1, 3, 4 यही सही है, क्योंकि खुम्स जो है सैनिकों के द्वारा लूटे गए धन पर लिया जाने वाला कर था। मैं बताया था आप सबसे कि सल्तनत काल में या भारत में जब विदेशी आक्रांताओं का जो है आक्रमण हुआ तो यह प्रथा जो है भारत में आई। क्या एक राजा जब दूसरे राजा को हरा देता था, एक सुल्तान जब दूसरे सुल्तान को पराजित करता था, तो जो सुल्तान जीत जाता था उसकी सेना हारे हुए सुल्तान के जो है लोगों को जी भर के लूटती थी। धन धर्म सब लूट लिया जाता था, और उस लूटे हुए धन पर जो टैक्स लिया जाता था उसी को खम्स या खुम्स कहा जाता था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवाने बंदगान, जिसको कि दास विभाग कहा जाता था, सबसे अधिक दास जो है गुलाम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास थी, बिल्कुल सही है। दीवाने मुस्तकराज यानी वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग, और राजस्व विभाग का काम था राजस्व की वसूली। इसकी स्थापना जो है किसने किया था? बलबन ने नहीं किया था ना, किसने किया था? इसकी स्थापना जो है किया अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन ने किया था। दीवान एको ही अभी तो बताया था का कृषि विभाग, स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन ना, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसके सलाह पर किया था? इब्न बतूता के सलाह पर किया था। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? दीवाने अर्ज का मतलब जो है आर्मी डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग, इसकी स्थापना बलबन ने किया था, अमीर खुसरो के सलाह पर किया था। चूंकि यहां पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है, तो पहला प्रश्न जो है, पहला विकल्प जो है वो सुमेलित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? पहला, यही सही है। अगला देखें, सर्व कर लगाया जाता था, कहीं इसको सर्व लिखेगा, कहीं इसको लिखेगा हक ए सर्व,
सर्व, कहीं कहीं इस शब्द को सर्व न लिख करके हर्ब लिखेगा, हर्ब से आप हर्बल न समझेंगे। दरअसल फारसी भाषा में स का प्रोनाउंसिएशन स नहीं होता है, मैं पहले भी बताया था। इसीलिए तो सिंधु नदी को पार करके जब जो है ये लोग भारत में आए तो सिंधु को सिंधु नहीं स का ह जो है इन्होंने प्रोनाउंसिएशन किया, ध का जो है द प्रोनाउंसिएशन किया, तो सिंधु जो है क्या हो गया, हिंदू हो गया। और हिंदू हो गया तो इसलिए सिंधु नदी के आसपास के लोग जो है हिंदुस्तानी, हम लोगों की भाषा हिंदी, हम लोगों का धर्म हिंदू धर्म, ये सब फारसी भाषा का ही शब्द है जो कि फारस वालों ने ईरान वालों ने जो है दिया था। तो इस शब्द को कहीं सर्ब लिखेगा कहीं हर्ब लिखेगा, आप जो है बिल्कुल टेंशन में मत आना। और इसको टैक्स लगाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ये सिंचाई पर लिया जाने वाला कर था, सिंचाई पर लिया जाने वाला टैक्स था, जिसमें अगर अगर जो है कृत्रिम तरीके से नहरों से आप सिंचाई कर रहे हैं तब उस कंडीशन में आपको 20% लगान देनी होती थी। अगर आप प्राकृतिक स्रोत जैसे बारिश हो गई, तालाब नदी से जो है सिंचाई कर रहे हैं तो कुल कृषि उपज का 10% जो है देना पड़ता था लगान। और इस टैक्स को किसने सबसे पहले शुरू किया था, आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। किसने शुरू किया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, वैसे तो भारत में कृषि कार्य के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले तुगलक वंश का संस्थापक कौन, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने कराया था, लेकिन इसको व्यापक पैमाने पर परवान चढ़ाया जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसने 5 नहरों का निर्माण कराया। और ये 5 नहरें थीं, एक का नाम था उलूग खानी नहर। क्या नाम था, उलूग खानी, ये प्यारे प्यारे नाम मिलेंगे। ये एक नहर कहां से थी, तो ये दिल्ली से यमुना से निकाली गई और कहां तक, हिसार तक। मैंने पढ़ाया आप लोगों को तो बताया कि हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। दिल्ली का यमुना नगर ये जगह भी अब जो है अब तो हरियाणा में पड़ जाती है, लेकिन उन दिनों जो है ये दिल्ली का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि हरियाणा तो आजादी के बाद हरियाणा शब्द जो है गढ़ा गया था, वरना उससे पहले हरियाणा शब्द था ही नहीं। हरियाणा का जो क्षेत्र था वहां से कोई नदी यमुना और घग्गर को छोड़ दो तो निकलती ही नहीं थी, यही वजह था कि उन दिनों वहां पानी की कमी थी, और जहां पानी नहीं था वहां जीवन नहीं था। आज भी दुनिया के जितने भी जो है पुराने शहर देखेंगे, चाहे भारत में चाहे भारत से बाहर, वो सब के सब नदियों के किनारे मिलेंगे। वाराणसी, मेरा प्रयागराज, या जितने भी दिल्ली, आगरा, ये पुराने शहर किसी न किसी नदी के किनारे मिलेंगे, क्योंकि तब घरों में समरसेबुल ना इन्हीं नदियों का जल इतना साफ होता था कि लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, सिंचाई में इस्तेमाल होता था, जानवरों के लिए इस्तेमाल होता था। तो जहां जल था वहां जीवन था, आज भी है। आज तो हम लोगों ने इतना प्रगति कर दी कि इन नदियों को मरघट पर जो है पहुंचा दिया, नदियों के जल अब पीने लायक रह ही नहीं गए, लेकिन फिर भी हम लोग, गवर्नमेंट उसी जल को जो है साफ करके घरों में दे रही है नल के माध्यम से, और हम लोग उसी जल को नदी में भेज रहे हैं दूसरे तरीके से, गवर्नमेंट फिर उसी जल को साफ करके भेज रही है लो पियो, और हम लोग फिर भेज रहे हैं लो साफ करो। तो चल रहा है, दिल्ली आप जा करके देख सकते हैं बड़े शहरों में। बहरहाल ये पहली नहर थी उलू खानी नहर, दूसरी इन्होंने शुरू किया सिरमौर से, सिरमौर की पहाड़ियों से, और कहाँ तक, हांसी तक। हांसी भी कहाँ पड़ता है, हिसार में पड़ता है। तीसरी सतलज, सतलज, सतलज और जो है घग्गर नदियों को जो है जोड़ दिया गया, क्योंकि घग्गर जो है वर्ष भर प्रभावित प्रवाहित होने वाली नदी नहीं थी। कहाँ पर, फिरोजाबाद, कहाँ, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद कहाँ है जी, ये भी पड़ता है वहीं पर हरियाणा में। फतेहाबाद से जो है एक नहर निकाली गई, वहां भी पानी पहुंचाया गया, फतेहाबाद। ये सभी शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा में जो है
स्थापित किए गए थे, और सबसे अधिक इससे फायदा हरियाणा की धरती को जो है हुआ। ये नहरें आज भी जो है अभी भी अपने अस्तित्व में हैं, और सर्व हक ए सर्व यानी सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया। अगर पूछा जाए कि इनका इन नहरों का जो है ऐतिहासिक स्रोत किस किताब से मिलता है, तो आप कहेंगे कि उस किताब का नाम है क्या, उस किताब का नाम है तारीख, तारीख ए मुबारक शाही। क्या नाम है? तारीख ए मुबारक शाही में इसका विस्तृत वर्णन दिया किया गया है। ये लिखा किसने है, तो इसको लिखने वाला जो राइटर थे उनका नाम था क्या, आहिया, आलिया नहीं, आहिया बिन अहमद खां सर हिंदी। रहने दें कि अभी और लिखे, ये एड्रेस नहीं लिख रहे हैं, एक ही व्यक्ति का नाम है, इन्होंने लिखा था इस किताब को मुबारक ऐसा ही। ये महोदय सैयद वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह के दरबार में रहा करते थे, और उन्हीं ने इन नहरों का जिक्र किया, उन्हीं ने हक ए सर्व टैक्स का जिक्र किया। और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? विजारत मतलब दीवान ए विजारत, एक तरीके से समझ लीजिए कि उस समय की जो है मंत्रिपरिषद जो थी, मंत्रिपरिषद थी, और उसका जो प्रमुख होता था उसी को जो है वजीर कहा जाता था। मैंने बताया ना कि आज भी जो है वर्तमान समय में भी मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का काम है क्या, राष्ट्रपति को सलाह देना, क्योंकि अपने देश का जो है सत्ता प्रमुख जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय है। लेकिन अपनी संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि जो संविधान में लिखा गया वो होता नहीं है, जो होता है वो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं गया है। जब कभी संविधान पढ़ाया जाएगा तो उस पर चर्चा किया जाएगा। विजारत चरमोत्कर्ष में था, तो विजारत अपने चरमोत्कर्ष में था किसके शासनकाल में, तुगलक वंश के शासनकाल में, अपने जो है पीक पोजीशन पर था, यानी वजीरों की जो है बहुत चली। लोदी वंश में भी चला, लोदी वंश का तो शासक था जिसका नाम था बहलोल लोदी, वो अपने शासनकाल में कभी सिंहासन पर बैठ करके अपने वजीरों से चर्चा ही नहीं किया, उनके साथ जो है चटाई पर नीचे बैठ करके जो है विचार विमर्श किया। तो ये सबसे जो है चरमोत्कर्ष टाइम पीरियड रहा था। अगर पूछे किसके शासनकाल में वजीरों का जो है कुछ भी नहीं चलता था, तो उस सवाल का जवाब होगा बलबन। ये बलबनवा किसी को कुछ समझ भी नहीं करता था। तो विजारत का सबसे जो है आप कह लें कि निम्न जो काल था वो बलबन का शासनकाल था, लेकिन जो सबसे सर्वोच्च जो है टाइम पीरियड था वो तुगलकों का था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दीवाने अर्ज बार बार आ रहा है यार, सैन्य विभाग बिल्कुल सही है। किसने जो है स्थापित किया, बलबन ने, बिल्कुल रट जाइए। बलबन ने किसके सलाह पर, अमीर खुसरो के सलाह पर। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग किसने जो है इसको स्थापित किया, बलबन ने, बलबन ने, बलबन के प्रशासन का सबसे बड़ा जो आप कह लें कि उसके सफलता का स्रोत ही जो है दीवाने बरीद था, मतलब गुप्तचर विभाग। दीवाने इंसा दान विभाग ये नहीं था ना, इसको जो है सरकारी पत्रों का जो है पत्र व्यवहार करने वाला विभाग जो है कहा जाता था। दीवाने रियासत नियंत्रण विभाग जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा मेरे प्यारे एकलव्यों, अंतिम ना तीसरा विकल्प सही होगा। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, 13वीं सदी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी, 13वीं सदी का मतलब कि जाहिर सी बात है सल्तनत काल। सल्तनत काल भारत में शुरू होता है 1206 से, और कब तक चलता है, तो जो है 1526 तक चलता है। कब तक, 1526 तक। तो आपसे पूछे कि सल्तनत काल भारत में कब तक रहा था, तो आप कहेंगे कि 13वीं सदी से लेकर के कब तक, 16वीं सदी तक रहा था। और उस समय सेना के सबसे बड़े सिपाही को, सॉरी सॉरी
सेनापति को खान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? खान के नाम से जाना जाता था। आगे चल करके जब मुगल वंश आएगा तो सेना के सर्वोच्च अधिकारी को जो है मीर बख्शी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? मीर बख्शी के नाम से जो है जाना जाएगा। प्रांत का जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था जिसको प्रांतपति कहा जाता था उसे मलिक के नाम से जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा मेरे प्यारे एकलव्यों? जी, दूसरा सही होगा। सल्तनतकालीन अधिकारियों को उनके विभागों से सुमेलित करिए। आइए किया जाए, ये तो पूरा खसरा खतौनी है, लिख के रख दिए हैं यहां। आरिज ए मुमालिक जो है सैन्य विभाग का जो है सर्व प्रमुख होता था। बिल्कुल सही है, अभी तो बताया। वजीर अर्थ विभाग, दीवान ए वजारत। सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवान ए अर्ज, और इसके सबसे बड़े अधिकारी को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। सदर उस सुदूर किसे संबंधित था? जी, धार्मिक विभाग से जो है संबंधित था। काजी उल कुजात न्याय विभाग से संबंधित था। न्याय विभाग को कहा जाता था क्या? दीवाने कजात। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग, बिल्कुल सही है, गुप्तचर विभाग को दीवाने बरीद कहा जाता था। दबीर ए खास शाही आदेशों, सब तो सही है। लो, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 यानी पहला विकल्प जिंदाबाद। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु ना। अगला प्रश्न देखिए। संतलतकालीन शासकों द्वारा प्रमुख विभागों को सुमेलित कीजिए। या तो इसमें से तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूछेगा सल्तनत काल में किसी विभाग को किस नाम से अब जाना जाता है, या पूछेगा कि आज का अगर पूछ ले आपसे कि गुप्तचर विभाग को सल्तनत काल में किस नाम से जाना जाता था, तो दो टाइप के, तो या तो ये क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो इस पर तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग को दीवाने बरीद कहा जाता था, इसकी स्थापना किसने किया था? बलबन ने। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा, और इसी को जो है हर साल इधर उधर करके जो है पूछता रहता है। दीवाने रियासत अभी मैंने बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसकी स्थापना की थी, जो कि बाजार नियंत्रण के लिए जिम्मेदार था। दीवाने को ही कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने इश्तहाक ना, फिरोज शाह तुगलक। ओ माय गॉड, मैं क्या कर दिया? कोई बात नहीं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने इश्तहाक की स्थापना की गई। और दीवाने इश्तहाक का मतलब होता है क्या? पेंशन विभाग। कौन सा विभाग? पेंशन। बताया था ना कि भारत में सैनिकों को पेंशन देने की प्रथा फिरोज शाह तुगलक ने ही शुरू किया था, उसीलिए इस विभाग की स्थापना की। दीवाने अर्ज का मतलब था जो है अभी मैंने बताया था कि कृषि विभाग, इसका जो है मतलब था जो है दीवाने रियासत, बाजार नियंत्रण विभाग, कहीं कहीं लिखा होगा वाणिज्यिक विभाग। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। दीवाने नजर मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए इमारत, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ये हमारी टाइपिस्ट महोदया का जो है कमाल है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसको एस्टेब्लिश किया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही सबसे अधिक 300 नगरों की स्थापना की गई। गोमती के तट पर सिराजे हिंद जौनपुर, घग्गर के तट पर हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद जैसे 300 नगरों का स्थापना कराया। निर्माण करने के लिए जो है दीवाने इमारत की स्थापना की किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? इसमें भी पहला ही सही होगा, इसका ये अब सही हो गया, पहला विकल्प सही है। कुछ इसमें जो है कट कॉपी करना पड़ा था क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक था, आप हमारी मजबूरी को समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई कष्ट हुआ तो इसके लिए सॉरी तो नहीं बोलेंगे, तो क्या ही कर लेंगे।
दिए हुए प्रश्न का कौन सा आंसर होगा? देखिए ये विभाग है उधर जो है यही बातें घुमा घुमा करके देखता है। दीवान ए वजारत सही है, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग को कहा जाता था, बिल्कुल सही है। दीवान ए इस्तहाक पेंशन के कार्य, बिल्कुल सही है। दीवान ए मुस्तखराज वसूल वसूली करना, राजस्व वसूली करना। दीवान ए खैरात अनुदान विभाग, गरीबों को दान दिया जाता था। दीवान ए बेवकूफ सॉरी दीवान ए वकूफ यानी 1 2 3 4 5 6 कौन सा सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। दीवान ए वजारत किसके द्वारा स्थापित किया गया? बलबन। सैन्य विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया? बलबन। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए मुस्तखराज किसके द्वारा जो है? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए खैरात किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया? यही फिरोजवा के द्वारा। और ये किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और उन दिनों जो ये टैक्स लिए जाते थे उनसे जो है संबंधित है। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाता था टैक्स, और मैं बताया कि जजिया को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लिया था, उसके बाद जो है महमूद गजनवी ने वसूला और इसको नियम बना दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। जकात का मतलब मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। खराज का मतलब खुम्स का मतलब उस्र का मतलब उस्र मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खुम्स लूटे हुए धन पर लिया जाने वाला टैक्स था। खराज गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला टैक्स। जकात ये भी जो है एक तरह का धार्मिक कर था जो कि मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। यानी एक का 1 2 3 4 5 दूसरा विकल्प सही है मेरे प्यारे एकलव्यों। तो ये रहा आज का सेशन। आप अपने बहुमूल्य विचार जरूर टाइप करके मुझको भेजिएगा, बेसब्री से मुझको इसका इंतजार रहता है। और साथ एक आप लोगों से गुजारिश है, और आप लोगों से शिकवा शिकायत भी है, और वो ये कि आप वो इस वीडियो को जो है शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को देख लेने के बाद, इस क्लास को जो है पढ़ लेने के बाद, एक थोड़ी सी जो है हम पर कृपा कर दिया करिए आप लोग। और वो ये कि आपके मोबाइल में जितने भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इसको शेयर कर दिया करिए। कसम से नीचे की तरफ देखेंगे तो शेयर करने का जो है ऑप्शन दिया होता है, उसमें लाइक बटन भी होती है, कर दिया करें। और आपको क्लास अच्छा लगे तो मेरे बारे में कुछ जो है लिख भी दिया करें, क्योंकि आप लोगों की जो है लेखनी अपने को और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को शुभ रात्रि।